ए, मैं बोलते जा रहा हूँ और तुम बिना सुने जा रहे हो। एक बात कान खोल के सुन लो, तुम्हारी चालाकी मेरे साथ नहीं चलेगी, समझ गए? तुम्हें मेरे साथ मेरे ही फ्लैट में रहना है। ए, क्या कर रहे हो? सुंदर लड़की को देखते ही धक्का मारते हो? तुम्हें कोई तमीज है कि नहीं? इतनी तेजी से सीढ़ियों पर चढ़ते हो, आखिर क्या इरादा तुम्हारा? ये लड़की लड्डू की तरह है, एक धक्का मार के प्यार के चक्कर में फंसाने का प्लान है। लड़कियों को प्यार में फंसाना इतना आसान नहीं है। हैंडसम होने का इतना घमंड है तुम्हें कि मैं इतनी देर से बोलती जा रही हूँ और तुम चुपचाप खड़े हो? मैंने धक्का नहीं मारा। तो क्या मैंने? मैं क्या बोलूं? मेरे बारे में जो भी जानता है वो बोल दे। सुनो, ये यहाँ की बहुत बड़ी वो है। वो माने? मवालन। अब समझ गए ना, आइंदा कभी मेरे आड़े मत आना। गर्ल्स फॉलो मी। अरे इसकी आंखों में जरूर कोई जादू है। मेरा हाथ। प्यार नहीं करती तो मेरे सीने पर हाथ क्यों रखा? और फिर खुद बोल सकती थी ना, मुझे बोलने के लिए क्यों कहा? जरूर मेरे अंदर कोई सॉलिड तिल है। ऑटो किसका है? कौन है बे? अब वो तो जा रहा है। ए, तुझे किसने मारा? वो लोग जो बैठे हैं। पता नहीं चलेगा, हम स्टूडेंट्स हैं, मुंह को ढक लो। तू यहीं बैठ। हमारे आदमी पर हाथ उठाना मत। रुक जाओ, ये उनका एरिया है, बाद में देख लेंगे। चलो। ए, उसका हिसाब तो चुका दिया, अब इस कमीज फाड़ का हिसाब करना बाकी है। सॉरी। साहब को कभी गुस्सा नहीं आता, गांधी जी हैं, मारो तो भी गुस्सा नहीं करेंगे। अबे चुप, मारने से भी गुस्सा नहीं करेंगे, क्या बात? देखोगे? देखा, गुस्सा नहीं आया। अरे रे, ये लोग उसे क्यों मार रहे हैं? हाँ यार, इसे गुस्सा ही नहीं आता। ए, तुझे किसने मारा? उन चारों ने भैया। साला कमीज फाड़ के शो दिखाया था। आज के बाद यहाँ कभी नजर नहीं आओगे। मुझे मत मारो, नहीं। बोल, कौन है तू? इसका दोस्त हूं, छोड़ दो। उठो। मैंने उसे तुम पर तरस खा के नहीं मारा, तुम्हारी माँ, पिता और बहन की खातिर मारा। कॉलेज स्टूडेंट्स को गुंडागर्दी नहीं करनी चाहिए। मार खा के इनके साथ पड़े रहोगे या इन्हें ले जाओगे, तुम्हारी मर्जी। हम इन्हें ले जाएंगे भाई। तो ले जाओ।
अगर आज तुम नहीं होते तो न जाने हमारे बच्चों का क्या होता। अबे शैतान, अरे ये क्या, जिस तरह उन बदमाशों को मारा उसी तरह इनकी भी पिटाई करो, तभी अकल आएगी। थैंक्स भैया, यहाँ के लोग जो ना कर सके वो बाहर से आने वाले आपने किया है। ए, तुम सब लोग भैया को सॉरी बोलो। गलती हो गई, गलती हो गई भाई। स्टील वाली मेरी नहीं भाई, तुम्हारी है स्टील वाली। मैंने कहा था ना पास में समुद्र है, वो तो यहाँ मेरे पैदा होने से पहले ही है भाई। अब मुझे भी इस पर डूबना होगा। लेकिन तुमने उनकी क्या पिटाई की भाई, एक एक मुक्के पर एक एक उड़ गया भाई। मेरी तो बोलती बंद हो गई, मैं तुम्हारे कदमों में लेके तुम्हारी सेवा करूंगा। ज्यादा बोल गया। वो सत्या के आदमी थे। आप सत्या के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? नाम कहीं सुना था इसलिए पूछ रहा हूँ। ये सब लोकल गुंडे हैं, सत्या की तरह शहर में खौफ फैलाना चाहते हैं। अगर ये सचमुच सत्या के आदमी होते तो अब तक ये अपार्टमेंट्स मिट्टी में मिल गए होते। वैसे आपका नाम? मेरा नाम सुबोध कुमार, पास के थाने में कांस्टेबल हूँ। शी इज माय वाइफ रेशमा। नमस्ते। हाल ही में यहाँ मैं ट्रांसफर होकर आया हूँ। वो सब छोड़िए, उनकी खूब पिटाई की, आपकी तारीफ। मेरा नाम गणेश है, यहाँ मैं नौकरी की तलाश में आया हूँ। यहाँ मैं किसी को नहीं जानता, मेरा कोई नहीं है। हम सब है ना भैया? बिल्कुल, मैं भी तो हूँ। यहाँ बहुत सारे लोग हैं, तुम्हारी यहाँ कोई जरूरत नहीं, जाओ यहाँ से। ए, सब लोग जाओ यहाँ से। चले भाई। ठीक है चलो। क्या है मीना? आपके लिए खाना लाई हूँ भैया। आओ अंदर आओ। तकलीफ उठाने की क्या जरूरत थी? इसमें तकलीफ क्या है भैया, भागने दौड़ने के लिए भगवान ने पाँव नहीं दिए, लेकिन खाना बनाने के लिए हाथ तो दिए। लेकिन खाना खिलाने का बड़ा मन सबको नहीं दिया उसने। चलो। लड़की समझदार है, दोनों के लिए खाना लाई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं ले लूंगा। तुम्हें तकलीफ क्यों? बाप रे, बहुत भूख लगी है। वाह, बढ़िया दाल है। कल खाने में तंदूरी चिकन या मटन फ्राई लेकर आना, ठीक है? खाना बहुत बढ़िया था। थैंक्स भैया। बहन को थैंक्स नहीं बोला करते। गुड नाइट भैया। गुड नाइट। प्रिया, ये खाना तुम मेरे लिए लाई हो? हाँ बिल्कुल। यानी उस वक्त कुत्ता गधा कह के जो गालियां दी थी वो सब झूठ मूठ था? भाई भाई भाई, प्रिया मेरे लिए खाना लेके आई है। तुम्हारे लिए नहीं। फिर किसके लिए लाई हो? तुम्हारी फ्रेंड के लिए। इन्होंने खाना खा लिया, तुम जाओ। क्या, तुमने खाना खा लिया? अभी अभी वो लड़की खिला के गई। लड़की? इस अपार्टमेंट में मुझसे बिना बोले तुम्हें कौन खिला सकती है? कौन है वो बेशरम जिसने तुम्हें खिलाने की जुर्रत की? उसे अपनी जान प्यारी नहीं? किसने किसने खाना खिलाया? मैंने खिलाया प्रिया। तुमने? तुम हो इसलिए बच गई। ठीक है, तुम्हारे लिए कितनी मेहनत से मैं खाना बना के लाई हूँ। दोने वाले खा लो, मैं चली जाऊंगी। कहा ना मैंने खा लिया। नहीं खाओगे तो मैं रो पड़ूंगी। तो इस ऑटो को खिला दो। थैंक्स भाई, मैं रेडी। कुत्तों को खिलाऊंगी पर इसे नहीं खिलाऊंगी। पूरा मूड खराब कर दिया। ये क्या बेटी, वो एक अजनबी है, उसके साथ इस तरह पेश आना गलत नहीं। माँ, बिना मर्जी से करो तो गलत, मैं तो मर्जी से कर रही हूँ। गणेश, मैं तुम्हारी खबर कर लेती। क्या कहा? तुम नहीं समझोगी, हटो। क्या है? क्यों रे, उधार लेके 3 महीना हो गया, व्याज का पैसा भी नहीं दिया। निकाल पैसे, निकाल। ये लो भाई। अरे वो खास क्यों रहा है? उसे कैंसर है भाई। कैंसर? ए बुड़ू, तेरे को सचमुच कैंसर है? हाँ भैया है। मेरा बाप भी कैंसर से मर गया और उस वक्त मैं कुछ भी नहीं कर सका। क्यों? उस वक्त मैं जेल में था ना। क्यों?
झूठ बोलने वाले पांच मामू को अपन ने टपका दिया था, वो सब छोड़ अभी तेरे को क्या हेल्प मांगता है बोलना। तुम कितने अच्छे हो सोना भैया, एक्सरे निकालने के लिए 2500 रुपए चाहिए, तुम झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकते हो ना। सच बोलता हूँ, 500 मेरे पास है, 2000 मिले तो काम हो जाएगा। तू अपन को सच बोला, अपन को बहुत अच्छा लगा। अरे इसने सच बोला, अरे सब लोग इसको मदद करो, आगे जो भी मदद चाहिए बोलना। तुम हम एक बार जाके चेकअप करवा लियो भैया। वो किस लिए? तुम्हारे पापा तो कैंसर से मर गवा रहा ना। ऐसा दाढ़ी वाला रोज एक मिल जाए तो बस हो गया, काम मांगो तो नहीं देगा, भूख लगी है खाना तो कहने से कोई कुछ नहीं देगा, लेकिन कैंसर का नाम सुनते ही पैसा दे दी बेवकूफ ने। लेकिन साला झूठ बोलने वाले को टपका देता है, यही तो टेंशन है। इसे अंदर करता हूँ तो टेंशन बाहर। सब ठीक है भाई, शत्रु साहब आप ही का भरोसा है, इस इलेक्शन में भी हमारी ही जीत हो। आप ही जीतेंगे। थैंक यू सर। भाई खुशखबरी। बोलो। हमारे खिलाफ गवाही देने वाले का पता चल गया है भाई। खत्म कर दूंगा। राकेश तुम दोनों जाकर उसे ठिकाने लगा दो। ठीक है भाई। ये रुपए अंदर रख दो। जी अच्छा। सुनिए, मुझे कुछ बताओ। अरे प्रिया वहां मत जा, अंदर चल जल्दी। सुनिए मत मारिए, मैं आपके पांव मारती हूँ। नहीं, सत्ता के खिलाफ गवाही देने की हिम्मत, अब उसका अंजाम भी देख ले। नहीं छोड़ दीजिए, बचाइए प्लीज, बचाइए प्लीज, कोई बचाइए। गवाही ऊपर जाके दे देना, वो सुनेगा। छोड़ो, इन्हें छोड़ दीजिए, छोड़ दो उन्हें। सत्या के खिलाफ गवाही देने की वजह से उसके गुंडों ने से मार दिया बाबूजी। इतने लोगों के होते हुए भी इन्हें किसी ने नहीं बचाया, ऐसे लोगों के बीच रहने से तो मर जाना ही बेहतर है। सुनो, रिश्मा। रिश्मा। रिश्मा।